गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम टू यूर रिसेंट ऑनलाइन क्लासेस। अब जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 35 तक अपन ने कर दिए थे, 36 थी क्वेश्चन नंबर 36। अब एक क्वेश्चन नंबर 36 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी सारे एक ही जैसे हैं क्वेश्चन, बस है तो नंबर अलग अलग दिए हुए। इस तरीके से दिया हुआ है नंबर, अब इसको कैसे करोगे, तो वाई माइनस इधर क्या हो जाएगा, इधर एक्स प्लस इधर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें मिडिल ब्रैकेट को इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो अंदर वालों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब देखिए इधर वाई और वाई दोनों प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा, हो जाएगा 2y - x। अब देखिए बाद प्लस है तो अंदर वालों के सिंबल वही रहेंगे, ये हो जाएगा 2y - x। अब देखिए इधर ये माइनस का x है, ये प्लस का x, दोनों कट जाएंगे, तो y - 2y, y में से 2y चला जाएगा, पीछे रह जाएगा y, वो भी माइनस, ये हो गया अपना फाइनल आंसर का सिंपलीफिकेशन कर। ऐसे कैसे इनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, इनके अंदर जो सी वाला थोड़ा सा बड़ा है वो आपको मैं करवा देता हूँ। जैसे कि दिया हुआ है 3a - इधर देगा मिडिल ब्रैकेट 4a - 2a - 2b और फिर इधर दिया हुआ -6a - इधर हो जाएगा 2a - 3a - 2b, ये दिया हुआ। अब देखिए इनको कैसे करना है, सबसे पहले बाद माइनस है तो इनको सॉल्व करें, 3a - इधर हो जाएगा 4a - 2a + 2b, इधर हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा इधर माइनस है तो -6, इधर क्या हो जाएगा 2a, इधर बाहर माइनस है तो इधर माइनस का 3a + 2। अब क्या हो जाएगा, इनके बाहर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा माइनस का 4a + 2a, सॉरी इनको पहले है जो सॉल्व कर देते हैं अपन, तो इजीली रहेगा, 4a - 2a माइनस करेंगे तो प्लस का 2a रह जाएगा, इधर प्लस का 2b रह जाएगा। अब इधर है जो 6a - इधर है जो क्या है ये 2a - 3a करेंगे तो माइनस का 1 + 2b रह जाएगा। अब देखिए इधर इनके बाद माइनस है तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3a, इधर माइनस का 2a + क्या हो जाएगा -2b, और इधर हो जाएगा 6a, इधर प्लस का a, और इधर हो जाएगा -2b। अब देखिए इधर 3a - 2a को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3a - 2a करते आ जाएगा प्लस का a -2b, इधर करेंगे अपन 6a और a कितना हो जाएगा 7a -2b। अभी देखिए इधर इनमें क्या करेंगे, ये तो a -2b है, ये बाद माइनस है तो 7a + 2b। अब देखो इधर ये क्या हो जाएगा, a इधर -, अब ये प्लस का a और ये माइनस का 7a, तो -6a हो जाएगा, -2b और +2b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, इधर केवल ये -6a रहेगा, वो आ गया अपना आंसर। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब जैसे क्या करना है अपने को,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab एबीसी माइनस एबी माइनस एसी सॉरी बीसी माइनस सीए अब ये इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ए बी और सी की वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रही है, ए की वैल्यू है बी वन, बी की वैल्यू है टू और सी की वैल्यू है माइनस वन। अब ये अपने को दे रखा है तो इनके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, इनमें क्या करेंगे सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ वन का स्क्वायर, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ टू का स्क्वायर, सी की जगह सी की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर, थ्री इंटू ए ए की जगह वन इंटू बी की जगह टू इंटू सी की जगह माइनस वन माइनस ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी होगी इधर हो जाएगा ए ए की वैल्यू वन इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी अपने कितनी फिर इधर माइनस है तो माइनस बी सी, बी की वैल्यू टू इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हो जाएगी अपने माइनस वन और ए बी हो गया बी सी हो गया और सी ए, सी ए में सी की वैल्यू माइनस वन इंटू ए की वैल्यू है वन। अब इनको सॉल्व करना, वन का स्क्वायर क्या होता है जैसा कि अपन जानते हैं वन का स्क्वायर होता है वन, टू का स्क्वायर होता है फोर और माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वन प्लस, इधर क्या हो जाएगा इनको सॉल्व करना है थ्री ए बी सी। अब माइनस वन को थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री टू जा माइनस का सिक्स हो जाएगा तो इधर हो जाएगा और फाइनली आंसर आएगा माइनस, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जा माइनस का टू हो जाएगा, इधर है जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का टू, इधर माइनस वन को इनसे करेंगे प्लस का वन, ये इनका प्रोडक्ट हो गया इनका 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 और इनका, इन तीनों का क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया। अब इन तीनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर और टू सिक्स, इधर माइनस सिक्स और इधर प्लस वन, ये सिक्स से ये सिक्स कट गया यानी आंसर आ गया वन, ये अपने माइनस। अब देखिए वो तो अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए है, अभी अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कह रहा है जैसे ये दिए हुए हैं दो एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, फर्स्ट ये है थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव और इक्वल्स टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, फर्स्ट ये ले लेता हूँ मैं और सेकेंड जो डी वाला है वो ये ले लेता हूँ मैं, वाई अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन टू प्लस सॉरी माइनस वाई अपॉन फोर इक्वल्स टू हो जाएगा वन। ठीक है, अब देखिए इधर इनको कैसे करना है, सबसे पहली चीज जब ऐसे दिए हुए हो ना तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इधर इनको थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स और थ्री को फाइव से करेंगे थ्री फाइव का फिफ्टी, इधर टू को एक्स से करेंगे टू एक्स माइनस सिक्स। अब जो एक्स वाली टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे न्यूमेरिकल टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो थ्री एक्स माइनस हो जाएगा टू एक्स, इधर हो गया फिफ्टीन माइनस हो गया सिक्स। अब इधर देखिए थ्री एक्स में से टू एक्स चला जाएगा एक्स, फिफ्टीन में से सिक्स चला जाएगा पीछे रह गया नाइन। इधर क्या करेंगे अपन सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे थ्री फोर और टू का, तो एलसीएम आ जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करते हैं फोर टाइम डिवाइड होता है तो फोर, टू को इससे करेंगे तो सिक्स टाइम डिवाइड होगा सिक्स माइनस, फोर से करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री बाई वन, ये इधर डिवाइड में है इधर ट्रांसफर करेंगे तो चला जाएगा मल्टीप्लाई। अब ट्वेल्व बन जाएगा ट्वेल्व सिक्स
सिक्स और फोर हो गया टेन वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू हो गया ट्वेल्व। अब ट्वेल्व टेन में से थ्री चला जाएगा पीछे रहेगा सेवन वाई इक्वल टू हो गया ट्वेल्व। तो वाई की जो वैल्यू आएगी अपने वो क्या होगी ट्वेल्व अपॉन सेवन, ये वैल्यू आगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 39 वाले में क्या है a इक्वल टू दे रखा है अपने को a अपॉन फोर इक्वल टू दे रखा है थ्री, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू। अब अपने को वैल्यू निकालनी है किनकी, फोर ए प्लस टू प्लस थ्री ए प्लस फोर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है भाई, ये अपॉन में फोर है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी a की वैल्यू आ जाएगी थ्री फोर ट्वेल्व, a की वैल्यू आ गई ट्वेल्व। तो जहां जहां a की वैल्यू दिखे वो वैल्यू है जो इधर a की जगह पुट कर देंगे, फोर इंटू ट्वेल्व प्लस टू प्लस थ्री इंटू ट्वेल्व प्लस फोर। अब क्या होगा ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट प्लस टू प्लस ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स प्लस फोर, फोर्टी एट और टू कितना हो गया फिफ्टी और थर्टी सिक्स और फोर कितना हो गया फोर्टी, फिफ्टी और फोर्टी कितना हो गया नाइनटी। ये आ गया अपने फाइनल इसका आंसर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या कह रहा था, सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 45, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दीज नंबर। तीन लगातार जो ऑड नेचुरल नंबर है उनका सम है वो 45 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है अपने। तो सिंपल सी बात है, दी लेट द स्मॉल है फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल्स टू ले लिया एक्स, सेकेंड जो होगा वो क्या होगा द सेकेंड ऑड नंबर वो होगा एक्स प्लस टू, और जो थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर, ये हो जाएगा। अब तीनों का सम है जो अपने से पूछा है कितना है, अकॉर्डिंग टू ट्यूशन कर लेंगे, ट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है तीनों का सम एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू दे रखा है 45। तीनों को ऐड करेंगे एक्स और एक्स और एक्स थ्री एक्स, और इन दोनों का सम हो जाएगा सिक्स इक्वल टू 45। उधर ट्रांसफर करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू 45 माइनस सिक्स, यानी आ गया 39। अब देखिए इधर एक्स की वैल्यू आ गई 39 अपॉन थ्री, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 13। अपने से ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल्स टू कितना है, तो ये है अपने एक्स प्लस फोर यानी 13 प्लस फोर कितना आ जाएगा 17। अब आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक है जो कंप्लीट थी इसके करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जॉइनिंग अस, हैव अ नाइस डे।